जोहार झारखंड रांची अब जरबर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि भुरकुंडा निवासियों को बिजली और पानी के किल्लत से जूझना पड़ रहा है और अभी तक इस क्षेत्र के कई ट्रेड यूनियन इस समस्या का समाधान सीसीएल से नहीं करा पाए, परंतु आज एक बैठक सीसीएल बरकाशयाल के पदाधिकारियों एवं अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के नेताओं के साथ हुई, जिसमें सीसीएल बरकाशयाल जीएम ऑफिस के आदेश पर एसओसी बरकाशयाल एवं एस डोडा तथा अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के नेता अजीत सिंह, इकबाल खान, अनिल सोनी, रोबिन मुखर्जी, सीपीआई नेता लखेंद्र राय शामिल रहे। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि समस्या का समाधान शीघ्र निकलेगा। यह है कि भुरकुंडा में आज से नहीं, अतिक्रमण जब रोड बन रही थी उस समय से मामला है। उस समय पाइप बहुत सा, जैसे हॉस्पिटल कॉलोनी जाता था इधर जवाहर नगर जाती थी पानी, वो पाइप कबड़ गई। पाइप कबड़ने के बाद झारखंड सरकार वाली भी पाइप कबड़ी थी, लेकिन झारखंड सरकार वाला पाइप तो लगा दिया, लेकिन सीसीएल भुरकुंडा कुलवरी के प्रबंधक को बार बार बोलने के बावजूद भी आज तक वो पाइप लाइन को बिछाया नहीं जा सका, जिससे पानी की जो दिक्कतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। और दूसरी चीज कि मोटर एक है क्वारी के अंदर, वो मोटर जलने के बाद 15-15 दिन पानी नहीं चलता है। भुरकुंडा वासियों को, कॉलोनी वासियों को, ऊपर दौड़ा हो, भवनर दौड़ा, जवाहर नगर हो, बैरक हो, ससुर थोड़ी छोटा कहीं नहीं जाता है। उसमें क्या है कि अगर दो पंप एक सेट और लगेगा पंप का तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा। तो सिविल का कहना है कि फाउंडेशन हो चुका है, पंप एक और सेट लगने जा रहा है। जब दो सेट कंप्लीट हो जाएगा तो पानी की समस्या जो है वो कम से कम भुरकुंडा कुलवरी में नहीं रहेगा। और जो फाइल पड़ा है, जो यहाँ पे जो पाइप अतिक्रमण में हटाया गया था, वो फाइल अभी तक जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग विगत दिनों अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के द्वारा जीएम ऑफिस में वार्ता हुआ, जीएम के साथ और प्रबंधक के साथ वार्ता होने के तहत ही आज जो है वहाँ के एसओसी जो है स्टाफ ऑफ सिविल वहाँ से आए हैं इन समाधान समस्या के समाधान के हेतु कि कैसे समाधान किया जाए। इस पर हम लोग यहाँ आज उसी डेट के तहत हम लोग यहाँ बात करने के लिए आए हैं कि भुरकुंडा में पानी फाइल जहाँ है वो फाइल निकले और फाइल पर कार्रवाई हो और पूरे भुरकुंडा में पानी की व्यवस्था हो। तराईमान है आज सबसे बड़ी सवाल कि भुरकुंडा जो टंकी है जहाँ पर डोमेस्टिक लाइन से पानी सप्लाई दिया है, क्या प्रोडक्शन ऐसा जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ सकता है क्योंकि क्षेत्र लाइन कट रही है, प्रोडक्शन लाइन जल्दी करती नहीं और पानी ऐसा चीज जनहित में। देखिए आज जो था कि आपको ईएनएम डिपार्ट से भी वहां से आना था, जीएम ऑफिस से वहां से वहां से एक अधिकारी को रिपोर्ट किया गया था एसओसी सिविल के साथ कि आपको भी जाना है, बिजली की जो समस्या क्या है उस पर भी चर्चा करना था, लेकिन ईएनएम के कोई अधिकारी नहीं आए। तो जब ईएनएम के अधिकारी आएंगे तब उनसे चर्चा की जाएगी कि वो जो प्रोडक्शन लाइन है पानी के लिए उसको जोड़ दिया जाए। हम लोग अगले बात में इसको रखेंगे, नहीं आने के कारण इस बात को हम लोग नहीं रख पाए। अपना परिचय? हमारा परिचय हुआ, हम इकबाल हुसैन, मैं भुरकुंडा कुलवरी शाखा अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के प्रेसिडेंट।